हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आंसर एवरीथिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको YouTube की कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हर कोई यूज करता है। दोस्तों, आपको नहीं पता होगा कि आप पूरे दिन में YouTube पर कितना समय व्यतीत करते हैं। जैसे आप YouTube पे आप कितना समय व्यतीत करते हैं आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज आपको हम बताएंगे कि आप जान सकते हैं कि आप पूरे दिन में YouTube पर कितना समय व्यतीत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने YouTube को ओपन कर लीजिए। यहाँ से YouTube को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे होंगे होम, एक्सप्लोर, सब्सक्रिप्शन, इनबॉक्स, लाइब्रेरी। इनमें से किसी पर क्लिक नहीं करना आपको। सीधे आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा, आपके ईमेल आईडी का जो आइकन होता है वहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे योर चैनल YouTube स्टूडियो, इसके नीचे ऑप्शन आएगा टाइम वॉच्ड। टाइम वॉच पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप पूरे दिन में YouTube पर आप कितना समय व्यतीत करते हैं। तो आज हमने देखिए 1 घंटा 28 मिनट YouTube पर व्यतीत किया है, और लास्ट 7 दिन पहले हमने 6 घंटे 57 मिनट YouTube पर व्यतीत किए हैं। तो आप इस ऑप्शन से आप आसानी से जान सकते हैं कि आपने YouTube पर पूरे दिन में कितना समय व्यतीत किया है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, रिमेंस मी टू टेक ए ब्रेक, मतलब कि आप इसमें जो है अब एक समय सेट कर सकते हैं। आप जितना समय सेट करेंगे उतने समय के बाद आपके आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो आप अपने आपको मतलब कि YouTube को देखने से रोक सकते हैं, मतलब YouTube आपका बंद हो जाएगा उस समय जितने टाइम के लिए आप बंद करना चाहेंगे। यहाँ पे आप टाइम आसानी से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब हम YouTube पर लंबी वीडियोस या फिल्म देखते हैं तो हम जैसे स्किप करते हैं अपने हाथ से डबल टैप टू स्किप करते हैं। वहाँ पे आप देखते होंगे कि जब आप डबल टैप टू स्किप करते हैं तो अक्सर 10 सेकंड ही स्किप होता होगा, लेकिन हम आज आपको बताएंगे इस ऑप्शन से आप जो है 10 सेकंड से ज़्यादा भी स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले YouTube को ओपन कीजिए। YouTube को ओपन करने के बाद यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे। आइकन पे क्लिक करने के बाद आप सीधे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऑप्शन के क्लिक करने के बाद आप जनरल वाले ऑप्शन में आ जाइए। यहाँ जनरल वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ आपको दिखा होगा डबल टैप टू स्किप। आप यहाँ से अपने अनुसार समय सेट कर सकते हैं, जितना जैसे 15 सेकंड कर देंगे तो आप एक बार स्किप करेंगे तो 15 सेकंड आगे जाएगा। तो इस प्रकार अपने इच्छा अनुसार आप समय सेट कर सकते हैं। ट्रिक की बात करते हैं। दोस्तों, आपने कई तरह के ब्राउजर का उपयोग किया होगा, तो सभी ब्राउजर में यह ऑप्शन होता है कि आप जो सर्च करते हैं अपने गूगल पे या क्रोम पे जो भी सर्च करते हैं उसको आप बाद में डिलीट कर सकते हैं। हिस्ट्री डिलीट का ऑप्शन करके आता होगा, वहाँ डिलीट करते हैं। ठीक इसी प्रकार आप यूट्यूब पर भी अपनी हिस्ट्री को बंद कर सकते हैं, जो आपने सर्च किया उस हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो आपको हम बताते हैं चलिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले यूट्यूब को ओपन कीजिए। YouTube को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ से आप आइकन पे क्लिक करेंगे। आइकन पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जनरल ऑटो प्ले डाउनलोड, आपको यहाँ पे हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यूज वॉच हिस्ट्री। यहाँ से आप अपनी वॉच हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे आपने YouTube खोला, वहाँ पे आपने जो सर्च किया, यहाँ पे आप अगर इसको ऑन कर देंगे तो जो भी आप अपने YouTube पर सर्च करेंगे वो नहीं दिखेगा किसी को भी। अब यहाँ से प्यूज सर्च हिस्ट्री, आप जो चीज सर्च करते हैं वो भी नहीं दिखेगा, और जो वीडियो देख लेते हैं अगर इस दोनों को ऑन कर देते हैं तो आप जो वीडियो देखेंगे वो लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पे वो वीडियो दिख जाता है। अगर इसको ऑन किए रहेंगे तो आपको वो वीडियो नहीं दिखेगा, और सर्च हिस्ट्री ऑन कर देंगे तो आपका सर्च हिस्ट्री जो है बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए क्लियर वॉच हिस्ट्री का ऑप्शन है, क्लियर वॉच हिस्ट्री पे क्लिक करके आप जितना भी सर्च किए हैं यूट्यूब पे उसको पूरा डिलीट कर सकते हैं। और क्लियर सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करके आप जितना सर्च किए हैं वो डिलीट कर सकते हैं। ट्रिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब हम कभी बाहर होते हैं तो कभी न कभी हमको आवश्यकता पड़ती है दूसरे के मोबाइल को यूज करने की। तो जब हम दूसरे के मोबाइल को यूज करते हैं उसमें हम अगर यूट्यूब पे क्या करते हैं कुछ सर्च करते हैं तो सर्च हिस्ट्री में आ जाता है। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे के मोबाइल को उपयोग कर यूट्यूब उसमें खोलें और क्या सर्च किए उसको पता भी ना चले तो आप ये ऑप्शन उसको ऑन कर देंगे। अगर ये हम आपको बता रहे हैं इसको ऑन कर देंगे तो आप किसी को दूसरे का फोन लेके भी उसमें यूट्यूब पे जो भी सर्च करेंगे उसको नहीं दिखेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने यूट्यूब को ओपन कीजिए। यूट्यूब को ओपन करने के बाद ईमेल वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ईमेल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा टर्न ऑन इनकॉग्निटो, इस ऑप्शन को आप ऑन कर दें। यहाँ से यहाँ पे अब देखो गॉट इट, यहाँ पे टर्न ऑन इनकॉग्निटो ऑन हो गया है। अब आप अपने यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करिए, सर्च करके यूट्यूब बंद कर दीजिए।
उसको नहीं दिखेगा कि आपने यूट्यूब पे क्या सर्च किया, ना तो सर्च हिस्ट्री में जाएगा ना तो वॉच हिस्ट्री में जाएगा। इस प्रकार आप किसी का भी फोन यूज कर सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा आपने उसकी यूट्यूब पर क्या सर्च करके देखा है। ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, जब हम यूट्यूब पर लाइव न्यूज या लाइव चैट, लाइव वीडियो या कुछ भी लाइव देखते हैं, तो उसके नीचे आपको अब देखो लाइक कमेंट का ऑप्शन, लाइक कमेंट जो होता है, कमेंट देखो आता जाता रहता है इसे, उससे आपको कई बार परेशान होना पड़ता है कि कमेंट क्यों आ रहा है इतनी जल्दी जल्दी। तो अगर आप उस कमेंट को बंद करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं आप कमेंट को उसको बंद कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा ऑप्शन सेटिंग का, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव चैट का ऑप्शन होगा। लाइव चैट ऑप्शन पे क्लिक करने का होल्ड फॉर रिव्यू, उसको आप ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लाइव न्यूज या लाइव इवेंट कुछ भी देखिए, आपको यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, आप आसानी से लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।